नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी गांधी परिवार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पिछले 10 साल में अपने 90% चुनाव हारी है। ऐसे में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन पर हमला किया था और अब प्रशांत किशोर ने भी कुछ ऐसा ही तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने विपक्ष के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इसका फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। पीके ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी बीते 10 सालों में 90% से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में कहा कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के लिए जिस विचार और विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है वो अहम है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं है जब पार्टी पिछले 10 सालों में अपने 90% चुनाव हारती हो। लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी नेतृत्व को तय करने दें। दरअसल ममता बनर्जी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वो अलग अलग राज्यों में पार्टियों के नेताओं से मिलकर बीजेपी का विकल्प बनने की अपील कर रही है। ममता ने बुधवार को मुंबई में कहा था कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय विकल्प तभी बन सकता है जब पार्टियां लड़ने को तैयार हों। विकल्प मजबूत होना चाहिए, या अकेले नहीं किया जा सकता। ममता ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि कोई लड़ नहीं सकता तो हम क्या करें, हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां लड़ें। ममता ने ये भी कहा कि अब यूपीए नहीं है और इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि यूपीए का नेता कौन होगा। आपको बता दें कि फिलहाल यूपीए की नेता सोनिया गांधी हैं। वहीं यूपीए को लेकर दिए ममता के बयान के बाद कांग्रेस ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो ममता पर बीजेपी से मिली भगत करने का भी आरोप लगा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।